भाई लोग, अगर आप पेटीएम पोस्टपैड को यूज करते हो प्रेजेंट टाइम पे, अपने पेटीएम पोस्टपैड को यूज करके आप जो है पैसे अपने बैंक अकाउंट पे जैसे ट्रांसफर करने जाओगे, आप लोग देख सकते हो मैं अपना पेटीएम मर्चेंट QR कोड स्कैन करता हूँ, अमाउंट यहाँ पर डालता हूँ, उसके बाद नीचे आता हूँ तो आप लोग देख सकते हो कहीं भी हमको ऑप्शन नहीं मिल रहा है जहां से हम जो है अपने पेटीएम पोस्टपैड को सिलेक्ट करके पैसा डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट पे ट्रांसफर कर पाए। तो इसको लेके इस टाइम पे लोग जो है बहुत ही ज्यादा परेशान है, लोग अपने पेटीएम पोस्टपैड का पैसा जो है अपने बैंक अकाउंट पे ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। काफी लोग तो ये कह रहे हैं क्या जो है पेटीएम पोस्टपेड अब जो है बैन होने वाला है, जैसे यहाँ पर बजाज EMI कार्ड को RBI ने बैन किया है। तो भाई लोग, ये सब देखते हुए मैंने जो है पेटीएम पोस्टपेड के कस्टमर केयर से यहाँ पर बात किया। मैंने उनसे पूछा इस टाइम पे पेटीएम पोस्टपेड जो है क्यों जो है काम नहीं कर रहा है, हम अपने पेटीएम पोस्टपेड का पैसा अपने बैंक अकाउंट पे ट्रांसफर क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि प्रेजेंट टाइम पे पेटीएम पोस्टपेड को लेके यहाँ पर कुछ जो है टेक्निकल इश्यूज चल रहा है, जिसकी वजह से आप अपने पेटीएम पोस्टपेड को प्रेजेंट टाइम पे यूज नहीं कर पा रहे हो। ऐसा नहीं कि पेटीएम पोस्टपेड जो है बैन होने वाला है, ये सब खबर झूठी है। आपका पेटीएम पोस्टपेड जल्दी से वर्क करने लगेगा, आप उसको यूज कर पाओगे। यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत ये भी आ गई कि यहाँ पर 1 तारीख आ गया, 1 तारीख को पेटीएम पोस्टपेड का बिल भी जनरेट होता है, इसी वजह से और ज्यादा टेक्निकल इशू जो है बढ़ गया, इसी वजह से पेटीएम पोस्टपेड आपका वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, पेटीएम पोस्टपेड आप जो है जल्दी से फिर से यूज करने लगोगे, पेटीएम पोस्टपेड पहले जैसा हो जाएगा, बस यहाँ पर आपको वेट करना होगा। आप लोग देख सकते हो मेरा यहाँ पर दो दो पेटीएम पोस्टपेड अकाउंट है, लेकिन कोई भी पेटीएम पोस्टपेड अकाउंट का पैसा हम जो है यूज नहीं कर पा रहे हैं, ना तो अपने बैंक अकाउंट पे ट्रांसफर कर पा रहे हैं, ना तो इसको कहीं भी यूज कर पा रहे हैं। तो ये जो है टेक्निकल इश्यूज की वजह से हो रहा है, जल्दी ये सही हो जाएगा, आप फिर से अपने पेटीएम पोस्टपेड को पहले की तरह यूज कर पाओगे। इसको लेके आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप वेट करो, जल्दी ये सही हो जाएगा, आप इसको यूज कर पाओगे। अगर आपको जानकारी जो है समझ में आई हो तो प्लीज सर वीडियो को लाइक करना, साथ में इस वीडियो को आगे जो है शेयर कर देना, ताकि लोग जो है परेशान ना हो, लोग जो है समझ पाए।